ज़्यादातर गोदामों के अंदर यह एयर वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। यदि आप वैसे तो घर में इसका कोई काम नहीं है, बाकी इस जगह पे स्क्रू मारने पड़ेंगे, यहाँ पे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो हम फाइबर शीट में या तो शेड में लगाते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास आते जाते बहुत सारी जगह पे इस तरह के एयर वेंटिलेटर लगे हुए देखे होंगे, तो आपके मन में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आए होंगे कि ये क्या है, लोहे का गोल डिब्बा क्या चीज़ है जो अपने आप घूमता रहता है, ये किस वजह से लगाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में कंप्लीट बात करेंगे, ये घूमता क्यों रहता है, क्या इसे कहीं से बिजली की सप्लाई मिली हुई है, हम कारीगर लोग इसे फिटिंग करने का क्या चार्ज लेते हैं, यह मार्केट में कहां से मिलता है और कितने रुपए का मिलता है, क्या इसे आप अपने घर की छत पे लगा सकते हैं, तो टोटल डिटेल से बात करने वाला हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है मुरली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं अग्रवाल आयरन स्टोर पे और यहाँ पे टर्बो लाइट एयर वेंटिलेटर आप देख सकते हैं, साइज है 24 इंच का। इसमें दो साइज आते हैं, 24 इंच और 22 इंच, और इसकी हाइट 15 से 16 इंच होती है। इस तरह के डब्बे के अंदर आता है, बहुत ही हल्का फुल्का। यदि वजन की बात करूं तो लगभग इसमें 3 किलो वेट होगा, जो कि काफ़ी हल्का फुल्का है, और इसको यदि थोड़ी सी हवा मिल जाए तो ये अपने आप घूमता रहता है। इसमें कोई भी किसी तरह का बिजली का कनेक्शन नहीं है। नीचे से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर की साइड एक बैरिंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमता है। अब ये जो है ये डायरेक्ट नहीं लग सकता, इसके नीचे का बेस होता है। अब मैं आपको बेस दिखाता हूँ। ये दोस्तों दो तरह के बेस आते हैं। ये जो बेस है ये सीमेंट फाइबर शीट के लिए है, सीमेंट वाली शीट के लिए। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। इसका बेस दो तरह का आता है, एक बेस है सीमेंट फाइबर शीट के लिए और एक बेस है प्रोफाइल शीट के लिए, जैसे कि टाटा की और JSW की शीट होती है। यह इस तरह से लग जाता है, शीट इसके ऊपर आती है पीछे वाली शीट, और आगे जो शीट आएगी वो इसके नीचे आ जाएगी, और जो हमारा एयर वेंटिलेटर है वो इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे इस तरह से ये एयर वेंटिलेटर इसके ऊपर आ गया। अब इसे यहाँ पे स्क्रू मारने पड़ेंगे, इस जगह पे स्क्रू मारने पड़ेंगे यहाँ पे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो हम फाइबर शीट में या तो शेड में लगाते हैं, 1.5 इंची या 1 इंची के स्क्रू। इसे फिटिंग करने का हम कारीगर लोग, यदि एक दो है तो 1000 रुपये पर पीस, यदि 20-30 इकट्ठे लगने हो तो 500 रुपीज़ पर पीस के चार्ज लेते हैं कारीगर। इस एयर वेंटिलेटर को यदि आप खुद से फिटिंग करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया है कि कैसे फिटिंग करना है। और इस एयर वेंटिलेटर की विद स्ट्रक्चर जो नीचे का बेस है, बेस के साथ जो कीमत है 3500 रुपये, साइज है 24 इंच, यह 22 इंच में भी आता है, 22 इंच का 300 रुपये सस्ता है। अब मैं आपको दूसरा बेस दिखाता हूँ। यह बेस टाटा ड्यूराशाइन और JSW या कोई भी किसी भी तरह की प्रोफाइल शीट हो उसके ऊपर आराम से आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग आएगी, ये प्रॉपर फिट बैठता है, यहाँ से लीकेज का कोई चांस नहीं है, और इसके ऊपर हमारा एयर वेंटिलेटर आ जाएगा। ये उल्टा है, इस तरह से लगेगा। ये जो बेस है ये पॉलीकार्बोनेट शीट से बना हुआ है, इसे आप फाइबर शीट में भी बनवा सकते हैं। फाइबर शीट का इससे हैवी होगा और मजबूत होगा, कीमत इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 4500 रुपये में बेस के साथ ऊपर का एयर वेंटिलेटर रेडी होगा। ये हमारा एक और एयर वेंटिलेटर आ गया यहाँ पे, और इसे ये इस तरह से लग जाता है, और थोड़ी सी जैसे ही हवा मिलती है ये घूमता रहता है। इसके ऊपर यदि कोई चीज़ लगेगी तो ये ख़राब हो जाएगा, और यह इसलिए लगाए जाए, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा शेड है, और इस साइड से हवा आने जाने के लिए रास्ता दिया छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे से तो खैर शीट ही फटी पड़ी है। ऊपर जहाँ पे हवा आने जाने के लिए रास्ता ना हो,
मॉइस्चर ना आए, इसलिए ये लगाए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा यदि हवा शेड के अंदर घुस जाए तो शेड अपनी जगह से हिले ना, उखड़े ना, इसके लिए ये एयर वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। ज़्यादातर गोदामों के अंदर यह एयर वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। यदि आप वैसे तो घर में इसका कोई काम नहीं है, बाकी फिर भी कोई कोई कस्टमर लगवाना चाहता है तो वो अपने घर पे भी लगवा सकता है। बहुत ज़्यादा घर पे लगाने का फ़ायदा नहीं है। और बात करें कि इसके अंदर पानी की, तो बारिश का जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाता है। बहुत कम चांस है, 2% चांस है कि पानी इसके अंदर चला जाए, बाकी बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाता। पाइप लेके ऐसे डालेंगे तब तो चला ही जाएगा। बाकी यदि ये जो शीटें आप पीछे पड़ी हुई देख रहे हैं, प्रोफाइल शीट, सीमेंट फाइबर शीट, इन सब का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाए। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अग्रवाल आयरन स्टोर का नंबर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो बेस है ये काफ़ी बड़ा है। 5.5 फिट बेस का साइज होता है लंबाई में, और चौड़ाई जैसे कि शीट की आती है 3.5 फिट, वही साइज है। बेस की चौड़ाई 3.5 फिट, लंबाई 5.5 फिट, और ये जो एयर वेंटिलेटर है इसका साइज है 24x24। दोस्तों यदि आपके कुछ और सवाल बचे हैं एयर वेंटिलेटर से रिलेटेड तो कमेंट में आप आके पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। आपके कोई सवाल, सुझाव या अनुभव आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो मेरे लाइव में आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।